आपको पता है, सूर्य देव को कभी भी नंगे पैर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पैर में ऐसी क्या चीज़ है जो आप पहनते हैं तो आपको उच्च पद प्राप्त होता है और धन लाभ भी आपको होता है, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता है। अनेक लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता मेथड। गलत सलत जानकारी के अभाव में उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और सूर्य देव को लगातार कई सालों तक जल अर्पित करने के बाद भी उनको बदनामी मिलती है। कर्म फल ही ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। उन्हीं में से आपको हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो आपने पैरों में पहन ली तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपको धन लाभ भी होगा, मतलब पैसा भी आपके जीवन में आता रहेगा। और उच्च पद की श्रेणी में जो चीज़ आती है वो उच्च पद आपको प्राप्त होगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सूर्य देव को कभी भी अर्घ्य देते समय नंगे पैर ना रहें, यानी मंत्र जाप आप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, सूर्य त्राटक के लिए आप जाते हैं, तो सूर्य को अर्घ्य देते समय नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग सूर्यदेव का अपमान समझते हैं चप्पल पहनकर जल देने को, वो अपनी जगह सही है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपने पैर में पहन ली, पैरों में पहन ली तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय पैरों में छींटे ना लगें और बहकर जल पैरों में ना आए, इस बात का खास ध्यान रखना होता है। इसके लिए किसी ऊँचे स्थान पर खड़े हुए या जल गमले आदि में देवें तो आपको फ़ायदा होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय तांबे के पात्र से ही जल देना चाहिए, कांच या स्टील के बर्तन से जल नहीं देना चाहिए। जल देते समय जल की धार में सूर्य को देखें, इससे आपको ज़बरदस्त फायदा होता है। दोनों हाथों से सिर से ऊपर पात्र करके जल देना चाहिए। नदी में अगर आप जल देते हैं तो नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य देव को ऐसा करने से श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति आपको मिलती है। सूर्य उपासना करते समय या अर्घ्य देने के बाद आपको मंत्र जाप करके पुनः नहीं सोना चाहिए। ये आपकी तरक्की की बहुत बड़ी बाधा है, इसको दूर करना चाहिए। और ये बातें छोटी मोटी लगती हैं आपको, लेकिन अगर आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठते हैं और स्नान आदि करते समय उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं और 2 से 5 मिनट तक सूर्य देव को निहारते हैं, त्राटक करते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ होता है। और विशेष लाभ के लिए आपको सूर्य को जल भी अर्पित करना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया कि किस विधि से आपको जल अर्पित करना चाहिए, इसका आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए। उगता हुआ सूर्य कई बार पेड़ों या बिल्डिंग के कारण नहीं दिखाई पड़ता हो तो सूर्योदय काल में पार्क में खुले स्थान पर जाकर भी आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और सूर्य को नमस्कार भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो बेल के वृक्ष के नीचे गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और बेल के वृक्ष के आसपास भी नहीं हो, आपके आसपास बेल वृक्ष नहीं हो तो घर के आसपास तुलसी के 5 पौधे लगाएं और उसके समक्ष पूर्व मुखी होकर सूर्य का मंत्र जपते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। यह भी संभव नहीं हो तो घर की पूर्वी दीवार पर तांबे का बना हुआ सूर्य अथवा सूर्य यंत्र लगाकर उसके धीप धूप दीप करें और उसके समक्ष मंत्र जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। इनमें से कोई भी कार्य पूरा लाभ तभी देगा जब सूर्योदय से 15-20 मिनट के भीतर ही ये करते हैं, मतलब सूर्य दर्शन करते हैं और जल देते हैं, तभी आपको लाभ होता है। और विलम्ब से कोई भी काम किया जाता है तो वो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो यदि सूर्य का मंत्र जाप करते हैं, सूर्य त्राटक करते हैं तो आपको नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। अब थंबनेल पर आते हैं कि कैसी ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पैरों में पहननी चाहिए। देखिए, चमड़े या प्लास्टिक की चप्पल आपको भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय नंगे पैर तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं खड़ाऊ या रबड़ के स्लीपर पहनकर आप जल देते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होता है और इसका कोई दोष भी नहीं लगता है। खड़ाऊ लकड़ी के बने हुए होते हैं, उन पे खड़े होकर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि नंगे पैर का शास्त्रों में निषेध किया गया है और आपको लगता है कि सूर्य देव का अपमान होता है अगर हम चप्पल जूते पहनकर अर्घ्य देते हैं। ये आपकी बात सही है, 100% सही है,
लेकिन नंगे पैर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पैरों पर जल के छींटे आ सकते हैं और जल बहकर आपके पैरों में भी आ सकता है। यह महादोष की श्रेणी में आता है, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और आप नाभि पर्यंत नदी में खड़े होकर जल देते हैं तो आपके पैरों में चप्पल नहीं होती है, आप जानते हैं, तो उस वक्त कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन उस वक्त भी खड़ाऊ पहनकर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने लगता है। तो आज का ये ज्ञान आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आप इस ज्ञान से सहमत हैं या असहमत हैं, दोनों ही प्रतिक्रिया अवश्य भेजिएगा। थैंक यू सो मच।